उसी का लैब वर्क होता जाएगा, वही आप दोनों फाइनल होगा, ठीक है? सीधे स्टूडेंट्स को जरा कह दें कि आज की क्लास में जरा आ जाएं सारे के सारे, तो मैंने फाइनल अनाउंस करना है, तो जरा सबको एक दफा रिमाइंडर दे दें। हाँ, एक दफा रिमाइंडर दे देंगे सारे, एक दफा आ जाए फिर बेशक सो जाना सारे। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हुई है? यस मैम। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है? आप लोगों का फाइनल होगा, दो इलस्ट्रेशन बनानी है आप लोगों ने फोटोशॉप पे, ठीक है? दो फुल फ्लैज इलस्ट्रेशन, वो बनानी कैसे है आप लोगों ने, ठीक है? आपने कोई भी इलस्ट्रेशन जो है ना, कोई भी जो फोटोग्राफिक इमेज है ना, वो आपने ले लेना है, ठीक है? नेट से लाइक इस तरह से कोई इमेज आप ले लेते हो, और इसको आपने पूरा पूरा एज इट इज कॉपी करना है इन इलस्ट्रेटर, इन सॉरी इन फोटोशॉप। लेट सपोज आप ये ले लेते हैं, ठीक है? तो सेम इसी तरह आपने ईच एंड एवरीथिंग कॉपी करनी है आपने इस तरह से उसको फोटोशॉप के अंदर। वो मैं आपको करना सारा बता देती हूँ कि आपने करना कैसे, ठीक है? लेट सपोज अगर आप ये इलस्ट्रेशन लेते हैं, तो इसको आपने एज इट इज चेंज करना है, इसका हेयर, इसका फेस, स्किन, ईच एंड एवरीथिंग। दो इलस्ट्रेशन बनानी है, ये 20-25 मार्क्स की दो होंगे, तो टोटल 50 मार्क्स का आप लोगों का फाइनल होगा। तो जो स्टार्ट होगा वो इस वीक से स्टार्ट होगा और एंड 15-16 वीक तक ही जाएगा, ठीक है? तो उसमें आप लोग जो है ना, मैं डिफरेंट आपको लैब प्रैक्टिस साथ साथ बताती रहूंगी। अगर किसी ने कोई इलस्ट्रेशन पिक की है और उसको वो चीज़ करनी नहीं आ रही, तो हर क्लास में जो है मैं उस तरह को उसका डेमो दूंगी कि हाँ वो आप चीज़ ऐसे बना सकते हैं। तो साथ साथ एक क्वेश्चन भी आते रहेंगे, साथ साथ डेमो भी बनता जाएगा, ठीक है? मतलब आपको नई नई चीज़ें भी सीखते रहेंगे, और असाइनमेंट भी आप लोग जो है ना फाइनल साथ साथ आराम से कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें करना क्या, आप लोगों ने सिंपल आपने ऊपर ना फैशन फोटोग्राफी लिख लेना है, या कोई भी आपने किसी डिजाइनर की कलेक्शन डायो और कह लो लिख लो, लेट सपोज, ठीक है? तो इसमें आप लोगों ने अच्छी से अच्छी इलस्ट्रेशन, लेट सपोज यू पिक दिस, ठीक है? आप ये इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, या ये फैशन फिगर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है? तो सेम यही चीज आपने एज इट इज कॉपी करनी है फोटोशॉप के अंदर। अगर आप ये लेते हैं, कोशिश करना है फुल फ्लैज फुल फिगर लेना, ठीक है? हाफ फिगर नहीं लेना, ठीक है? ये हो सकता है फुल फिगर, और इसमें आपने बनानी है दो। एक मैं ये इमेज सेव कर लेती हूँ, ठीक है? और इसके अलावा और क्या, मैं एक दो इमेजेस सेव करती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसमें करना क्या है। जैसे कि आप मैं अगर इसको सेव करती हूँ, और इसके अलावा फैशन फोटोग्राफी रन में लिख लो, उसमें आ जाए शायद कुछ अच्छे इमेजेस। आप कुछ सिंपल भी ले सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ही ज्यादा हैवी चीज लेनी है जो बने ना आपसे। यू कैन पिक दिस, मैं वैरायटी ऑफ इमेजेस बता रही हूँ कि किस किस तरह के इमेजेस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा
मैम हम लोग जो ड्रेस है वो ओरिजिनल पिक्चर से कट करके पेस्ट करेंगे, वो भी हम लोगों ने खुद बनाना है। नहीं 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 खुद बनाना है, कोई आपने कट पेस्ट कुछ भी कट पेस्ट नहीं करना, कुछ भी। ठीक ठीक है है, ठीक मतलब है जैसे लेट्स सपोज अगर मैं पूरा ये पूरा फिगर ले रही हूँ विद बैकग्राउंड, ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपने वैसे ही बनानी है, ठीक है, जैसी है। अब जैसे कि इसको मैं सेव कर लेती हूँ। चलो जी मैं स्टार्ट करती हूँ, नई शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। तो हर क्लास में मैं आप लोगों को डेमो दे दिया करूंगी क्या करना क्या आप लोगों ने, ठीक है। और इसका प्रॉपर जो है ना कि असाइनमेंट क्या होगी, कितने मार्क्स की होगी, किस चीज की डिवीजन होगी, कैसे होगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है ना मैंने ये 10th वीक के अंदर जो है ना अपलोड कर देना आपके असाइनमेंट वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है, फाइनल का। अच्छा जी, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एकथ इमेज कोई भी ले लेती हूँ, ठीक है। डाउनलोड में जाएं और यहाँ से ये चेक कर लें, ठीक है। अब ये इमेज एज इट इज जो है जैसे मैंने आप लोगों को रिपीट्स बताई थी ना कि जैसे आपने रिपीट्स करनी थी, सॉरी रिपीट्स कह रही हूँ, जो आपने टूल्स यूज किए थे, डिफरेंट ब्रशेस पे टूल यूज किए, ये सामने आपने मौका रखे ना रेफरेंस इमेज, और आपने इसको एज इट इज कॉपी करना है। मैम ये तो पेज साइज छोटा हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसमें छोटी थोड़ी बनानी है स्टेशन। नहीं, फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। वो तो मैं अपनी अपनी इसके लिए कर रही हूँ ना कि सामने सामने आप तो वर्टिकल भी रख सकते हो आप, ठीक है, तो तो मैम कोई इशू नहीं। पेज साइज A3 ही होगा। हाँ, पेज साइज A3 ही होगा, ठीक है। और ये आप लोगों की हार्ड कॉपी में भी सबमिशन होगी लाइक, ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी आ जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। तो अगर ना हो तो ये आप लोगों की सॉफ्ट में सबमिशन होगी PhD की फाइल में, ठीक है। आप सेम बेशक इसको आप यहाँ पे ये आप ये भी कर सकते हैं, इसको इसी तरह रहने दो, इसी पेज पे रहने दो, हम इसके ऊपर ही जो है ना कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और बड़े तहमुल से, बड़े तहमुल मिजाजी से आपने काम करना है, ठीक है, हर लैब में थोड़ा थोड़ा काम करना है आप लोगों ने, ताकि ज्यादा बर्डन ना हो। और ये काम जो है ना आप लोगों से वो मांगेगा तवज्जो, ये कोई जल्दी वाला काम नहीं है, ठीक है। बेशक आप इसकी वो कैपेसिटी कम कर लें, इमेज की पहले ट्रेसिंग कर लें, ठीक है, ओवरऑल एक ट्रेसिंग कर लें आप, ठीक है, इसकी सारी ट्रेसिंग कर लो कि क्या है दोस्त। बड़ा ध्यान से जो है ना साफ सुथरी से ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जूम कर लें इसको। मैं इसी तरह हर क्लास में आप लोगों को डेमो दिया करूंगी, जो कि जो चीज आपको पूछनी हुई, जो चीज समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैम ये चीज कैसे बनेगी, ये कैसे बनेगा, तो मैं अवेलेबल दूंगी आपको, बस मुझे आप लोगों से काम चाहिए, ठीक है।
बड़ी नीट किस्म की लिस्ट आपने इसकी ना, तो हाँ जी समझ आ रही है। फिलहाल तो मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जैसे इसकी ओपेसिटी कम की है और ऊपर से इसको कॉपी कर रही हूँ। सीरत अभी भी जो है ना स्टूडेंट्स को कहें कि आ जाएं क्लास में, एटलीस्ट ये अभी डेमोज वाली क्लासेस तो कम से कम लें ना। ठीक है मैम, मैं दोबारा कर देती हूँ मैसेज। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन वही करेगा जिसने कोई प्रैक्टिस की होगी, बगैर आप लोग सिर्फ देखेंगे तो फायदा तो नहीं है ना। ठीक है, एटलीस्ट मुझे भी पता चले ना कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ घर में काम हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है मैं कलर कर लूंगी। इसमें से ब्लैक कलर मैंने पिक कर लेना, ठीक है, जो बेस कलर है नीचे, लाइक दिस वन। ठीक है, तो दिस इज माय बेसिक कलर। या अभी भी कर सकते हैं और आप डिफरेंट पोर्शन भी ले सकते हैं। चलें फिलहाल एक सिलेक्शन तो मैं साइड पे करूंगी ना, इस पे मैं लाइट से कलर कर देती हूँ, कोई भी ग्रेडियंट कर देते हैं। चलो एक पाथ मैंने बना लिया, ठीक है, एक पाथ मैं साइड पे रख देती हूँ, एक नेक्स्ट पाथ बनाती हूँ। ठीक है, अब इस पाथ को अब सेव ही रखी। अब नेक्स्ट पाथ जो है मैंने बनाना है ड्रेस का। ठीक है, सेम इसी तरह इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दो, लाइक दिस। मैं अपर वाला पोर्शन अलग बनाऊंगी, नीचे वाला पोर्शन अलग बनाऊंगी। ठीक है, बस आप लोग देखते रहेंगे।
पास हो गया, बेशक आप इनको रीनेम दे दें। अच्छा, अब ये जो है नीचे वाला जो है ना, ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ टेक्सचर, ठीक है, ये जिसमें फ्लेयर्स आ रही हैं डिस्प्ले, तो मैंने इस चीज की इस तरह से चीज क्रिएट करनी है, तो मैं देखूंगी कि मैं किस तरह से इस चीज को क्रिएट कर सकती हूँ। तो पहले तो मैं सिंपल जो है ना, इसको सिलेक्शन लेके इसका एक पाथ बना लूंगी, देन मैं देखूंगी कि मैं पेन टूल से किस तरह से जो है ना इस तरह की चीज बना सकती हूँ। अच्छा जी, पार्ट्स मेरे पास हो गए हैं सारे। अब मैंने क्या करना है कि मैं देखना है कि हाउ आई कैन मेक दिस काइंड ऑफ थिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है। आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. अब मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ, ठीक है, देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, इस किस्म का ग्रेडियंट है, ठीक है, ये कह सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा करते हैं, प्रिंट गैलरी के ऑप्शंस। स्ट्राइक्स बना के चेक करते हैं, और एक और बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर वन मोर बॉक्स जिसमें मैं
जस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आई डोंट नो कि ये चीज़ वो बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन फोटो शॉप है ही एक्सपेरिमेंट करना। मैंने वो पैटर्न क्रिएट करना है जो उसके ऊपर है, ठीक है। अब इन तीनों लेयर्स को ना मैं मर्ज कर देती हूँ, आई विल कॉपी अगेन, ठीक है। मतलब इरेगुलर मैंने ऊपर नीचे लाइंस कर दी, ठीक है। और इसको मैं समझ आ रही है कुछ मैं क्या करना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. दूसरी क्लास में लगाता हूँ। पांच मिनट बाद मुझे याद करो, दूसरे दोबारा लेक्चर स्टार्ट करो, कितने लगे इसको देख सकते हैं आप। इसकी कॉपी बनाओ जरा, और
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।